हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन बॉली मीडिया में, जहां आपको मिलती हैं अपकमिंग मूवी, सॉन्ग, टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फिल्म लीगर के बारे में, तो वीडियो को पूरी देखिएगा और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निर्माता निर्देशक करण जौहर ने बीते दिनों अपनी आगामी फिल्म लीगर की घोषणा की थी। बुधवार को ऐलान किया था कि गुरुवार को फिल्म की रिलीज डेट सामने आनी है। अब रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लीगर की रिलीज डेट का ऐलान किया है। बता दें कि लीगर इस साल 9 सितंबर को रिलीज होगी। दरअसल ये एक पैन इंडिया फिल्म होगी। इसे 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म से विजय देवरकोंडा बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। विजय के साथ लीड रोल में अनन्या पांडे नजर आएंगी। बता दें कि करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, लीगर 9 सितंबर को थिएटर में रिलीज हो रही है। फिल्म को दुनिया भर में 5 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा। बता दें कि विजय देवरकोंडा इस फिल्म में नए अंदाज में नजर आएंगे। इस फिल्म के लिए विजय काफी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने थाईलैंड में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली है। फिल्म में विजय और अनन्या के अलावा राम्या कृष्णन, रौनित रॉय, विष्णु रेड्डी भी नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन पूरी जगन्नाथ डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले फिल्म लीगर का फर्स्ट लुक सामने आया था। बता दें कि करण जौहर ने लीगर का फर्स्ट लुक शेयर किया था। करण जौहर ने अपने इस पोस्ट में बताया था कि उनकी फिल्म भाषा के अवरोध को खत्म करेगी, इसके साथ ही नए जमाने के सिनेमा को सामने रखेगी। करण जौहर का प्रभाव साउथ फिल्मों में भी तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि करण जौहर साउथ की फिल्में भी बना रहे हैं। उन्होंने लाइका कंपनी के साथ 5 फिल्में बनाने का करार किया है। करण ने 2.0 जैसी महंगी फिल्म प्रोड्यूस की थी, जिसके लिए करण को काफी पैसे की जरूरत पड़ी थी। मेरे दोस्तों, आप कितने हैं एक्साइटेड लीगर मूवी के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर साझा करें और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।